विवाह को सजोए हुए हैं श्री सुरेश कुमार सतपथी। आपको बुके प्रदान करेंगे श्री अशोक गोयल एडवोकेट, अशोक गोयल श्री बीडीएस सीआईटी रोहतक सीए। इसी क्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत करेंगे। सीए श्री एन के रंगा डीएटीसी सिरसा। तो मैं रोहित बंसल जी से अनुरोध करूंगा, अगर रोहित जी उपलब्ध हैं, मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट। सेवा केंद्र के बारे में हम लोग एक फैसिलिटी सेंटर किरा कर रहे हैं, तो एक आदमी आएगा, एक लेटर लेके आएगा, चिट्ठी लेके आएगा, वो उधर ही उसी में उसको नंबर एक मिलेगा, वो नंबर में वो घर में बैठ के वो लेटर का फेट क्या है, वेयर इट हैज गॉन, इन व्हिच ऑफिसर इट इज देयर, एंड व्हाट रेमेडी इज देयर, एंड व्हाट इज हिज पोजीशन ऑफ रिटर्न, एंड हाउ असेसमेंट इज डन, ऑल दिस थिंग ही कैन डू इट थ्रू हिज कंप्यूटर इंटरनेट माध्यम। So this is one facility we are providing almost in all the places we are providing, and so this CIT has taken it, he has selected this Sirsa, and Sirsa people will be benefited. It will be done within a 5 or 6 months period, it will be operational, people can utilize it. So हम लोग सोचते हैं कि ये सब हो जाने से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आने से लोगों को जो सोचते हैं कि नोबडी हमको सुनता नहीं है, हम लोग गरीब है, हम लोग का कोई तो सुनता नहीं है, दिस थिंग्स विल बी वीडेड आउट, ये कंसेप्ट नहीं रहेगा। टुडे आयकर सेवा केंद्र हैव बीन स्टार्टेड बाय अवर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दिस रियली ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर द ट्रेडर एज वेल एज फॉर द मेंबर ऑफ इनकम टैक्स बार। Earlier we were facing a lot of problem in getting refund while filing the return. Now we have seen opening income tax office everywhere, but such type of service center when are being opened by the department, it is very beneficial to the trader as well as to the income tax practitioner. जो ये आरंभ हो रहा है, ये हरियाणा में सातवां केंद्र है, और इसका सीधा सीधा लाभ ये होगा कि जब ये आरंभ हो जाएगा, जिसका शिलान्यास हुआ है, तो जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो आयकर दाता है उनकी जो भी समस्याएं हैं, वो एक छत के नीचे निपटा दी जाएंगी। जैसे सबसे बड़ी समस्या लोगों की होती है रिफंड की, जिनका रिफंड ज़्यादा होता है, या कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, या किसी प्रकार का कोई काम पेंडिंग है, तो यहाँ जो अधिकारी हैं वो उन्हें तुरंत निपटाएंगे, और लोगों को इसके लिए कहीं भी बाहर दूसरे ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, हमारे जो मुख्य आयकर आयुक्त हैं उनकी ये सकारात्मक सोच का परिणाम है कि वो इस प्रकार का काम आगे बढ़ा रहे हैं और करदाताओं को अधिक से अधिक सुविधा और सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सुन रखा गया है डॉक्टर अशोक तंवर के हाथों से, ये 2-3 महीने में जब भी इसकी सेवाएं शुरू हो जाएंगी, सहरसा जिले के जितने भी आयकर दाता हैं उन सबको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसी ऑफिस में जाकर सारी अपनी समस्याएं पुट कर सकते हैं, और जो भी पेपर फाइल करेंगे उनको उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिलेगी। जो आयकर दाता थे, इस केंद्र के खुलने के बाद मैं ये समझूंगा कि उनको इधर उधर भटकने की बजाय एक ऐसा स्थान सरकार ने इनको उपलब्ध करवाया है कि वो अपनी प्रत्येक जानकारी इनकम टैक्स से संबंधित और प्रत्येक विषय में हर तरह की जानकारी इस केंद्र के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, और सारी की सारी सुविधाएं जो यहां से मिल सकती है। मैं समझता हूं कि आज सरसा के आयकर दाताओं के लिए भारत सरकार की तरफ से जो ये तोहफा दिया गया है, मैं आयकर दाता होने के नाते भारत सरकार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं